दुनिया भर की स्पेस एजेंसी अपने मिशन के तहत अंतरिक्ष के चप्पे चप्पे को खंगालने में जुटी हुई है। कभी चंद्रमा पर मानव को भेजने की तैयारी की जाती है तो कभी मंगल पर इंसानों को भेजने की प्लानिंग की जाती है। लेकिन इस बार अंतरिक्ष में मक्खियों को भेजने का प्लान तैयार किया जा रहा है और ये तैयारी कोई और स्पेस एजेंसी नहीं बल्कि हमारी इसरो कर रही है। तो आखिरकार इसरो मक्खियों को स्पेस में भेजकर कौन सा प्रयोग करना चाहती है, क्या जानकारी जुटाना चाहती है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो इसरो ने जो तैयारी की है मक्खियों को अंतरिक्ष में भेजने की, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मिशन है और ये मिशन है गगनयान का। जी हाँ, गगनयान से मानवों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी तो की जा रही है, लेकिन मानवों को भेजने से पहले अंतरिक्ष में मक्खियों को भेजा जाएगा। तो क्या ये सारी मक्खियां वहां अंतरिक्ष में उड़ने लगेंगी या मर जाएंगी, या क्या होने वाला है इन मक्खियों के माध्यम से? क्या जो इसरो है वो ये देखना चाहती है कि अंतरिक्ष में मक्खियां उड़ सकती है कि नहीं उड़ सकती है, वो जिंदा रह सकती है कि नहीं रह सकती है? इन तमाम चीजों पर शोध जारी है और गगनयान का पहला मिशन इन मक्खियों को ही लेकर के जाएगा। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि इस मक्खियों के माध्यम से इसरो के वैज्ञानिक क्या प्रयोग करना चाह रहे हैं। आपको पता ही है कि गगनयान मिशन इसरो के सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और इसके सफल होते ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास इतनी सामर्थ्य होगी कि वो मानवों को अंतरिक्ष में भेज सकता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेज सकता है और अंतरिक्ष में भेजकर मानवों के माध्यम से नए नए प्रयोग कर सकता है। तो पहले ये माना जा रहा था कि गगनयान मिशन की पहली उड़ान जो होगी वो मानव रहित होगी और ये सच भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई जीव नहीं होगा, बल्कि उस मिशन के तहत मक्खियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। और ये थोड़ी बहुत मक्खियां नहीं होगी, बल्कि इस मानव रहित मिशन में 20 कंटेनर्स में मक्खियों को भर करके भेजा जाएगा और ये मक्खियां वही फ्रूट फ्लाइज होंगी जो आम तौर पर सब्जियों पर या फ्रूट्स पे, फलों पर, इन सब जगहों पर मंडराती रहती है, उस पर बैठती है। तो इन्हीं फ्रूट फ्लाइज के 20 कंटेनर्स को अंतरिक्ष में गगनयान के माध्यम से भेजने की योजना है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार इन मक्खियों को अंतरिक्ष में भेजकर कौन सा प्रयोग करना चाह रहा है इसरो? तो उसके बारे में इसरो ने बताया कि स्पेस की यात्रा करने वाले एस्ट्रोनॉट्स को जो किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है तो उसकी स्टडी करने के लिए ही इन मक्खियों को वहां पर भेजा जा रहा है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अक्सर प्रयोग में या तो चूहों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर बंदरों का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर मक्खियों में ऐसा क्या है कि उसे इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि असल में मक्खियों में 77% जिन्स ऐसे होते हैं जो इंसानों की बीमारियों की वजह बनते हैं। मक्खियों का एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी जो उत्सर्जन तंत्र होता है, जो मलमूत्र त्याग करने वाला तंत्र होता है, वो बहुत हद तक इंसानों जैसा होता है। अगर इन मक्खियों को अंतरिक्ष में रहने पर स्टोन की दिक्कत आती है तो इससे एस्ट्रोनॉट्स को होने वाले किडनी स्टोन की स्टडी करने में आसानी होगी। यानी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने से पहले इसरो के वैज्ञानिक ये तय कर लेना चाहते हैं कि क्या एस्ट्रोनॉट्स को जब स्पेस में भेजा जाएगा तो उन्हें किडनी स्टोन की समस्या आ सकती है।
इस स्टडी में इसरो के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी और धारवाड़ की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के साइंटिस्ट मिलकर काम कर रहे हैं। अब इसरो मक्खियों से भरे 20 कंटेनर्स को गगनयान के पहले कैप्सूल लॉन्च में भेजेगा। ये लॉन्चिंग इस साल के अंत में संभव है, यानी कि दिसंबर तक गगनयान का पहला मिशन शुरू हो जाएगा, उसके कैप्सूल को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब यहां सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार किडनी स्टोन की ही स्टडी क्यों की जा रही है? तो आम तौर पर अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स में किडनी स्टोन की दिक्कत होती है, क्योंकि अंतरिक्ष में वो कम पानी वाला खाना खाते हैं ताकि बार बार पेशाब करने न जाना पड़े। इससे यूरिन में एसिडिटी बढ़ती है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। और इस स्टडी में, जिसके माध्यम से किडनी स्टोन के बारे में जानकारी मिलने वाली है, उस पर करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। आपको बता दें कि गगनयान का पहला मिशन यानी जीवन इस साल दिसंबर में लॉन्च हो सकता है। इसके 6 महीने बाद G2 अगले साल हो सकता है, या फिर दोनों मिशन अगले साल के शुरुआती 6 महीनों में हो सकते हैं। गगनयान मिशन के 5 चरण होंगे। पहला यानी जीवन, ये मानव रहित होगा, अनप्रेशराइज्ड होगा। G2 मानव रहित, प्रेशराइज्ड और ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ होगा। G3 मिशन मानव रहित वैकल्पिक टेस्ट उड़ान है। ये सारी उड़ानें 2025 तक पूरी होंगी, यानी 2025 में ही ये तीनों मिशन को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद H1 यानी मानव युक्त फ्लाइट होगी। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे। ये मिशन 1 दिन का होगा। ये मिशन 2025 या 2026 तक पूरी होगी। दूसरी फ्लाइट यानी H2 ये मानव युक्त होगी। इसमें भी एस्ट्रोनॉट्स होंगे और ये मिशन 3 दिन का होगा। इसका समय अभी तक तय नहीं है। इसके बाद गगनयान का G4 फ्लाइट होगा, जिसमें गगनयान कैप्सूल में सामान रखकर उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा। ये उड़ान 2026 से 2030 के बीच होगा, जबकि G5 कार्गो उड़ान भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए होगा। जी हां, गगनयान का जो आखिरी चरण होगा यानी G5, उस मिशन के तहत हमारे भारतीय स्पेस स्टेशन के लिए कार्गो वाला वो कैप्सूल जाएगा, वो सारे सामान वहाँ पर पहुँचाए जाएंगे, जिससे वहाँ पे जो अंतरिक्ष जो स्टेशन है उसकी जो तैयारी चल रही है, उसे जो बनाया जा रहा है, उसमें सहायता मिल सके। और इसी के प्रारंभिक चरण में जो मैं बात कर रहा हूँ मक्खियों को भेजने की, तो यही मक्खियां वहां पर स्पेस में जाकर के मानवों के जाने का रास्ता साफ करेंगी और ये बताएंगी कि किस किस तरह की दिक्कतें मानवों को हो सकती है जब मानव वहां पर पहुंचेंगे। और इस प्रयोग से जो डाटा मिलने वाला है, यानी 2025 तक जब मक्खियां वापस आएंगी, तो उस पर वैज्ञानिक शोध करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे और उसके आधार पर ही सारे प्रिकॉशंस तय किए जाएंगे कि जब मानव स्पेस में जाएगा तो किस तरह के प्रिकॉशंस लेंगे, उसके स्पेस सूट कैसे होंगे और किस तरीके से उनको स्पेस में रहने के लिए तैयार किया जा सकता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।